ജർമ്മനിയിൽ നടക്കുന്ന G7 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജർമ്മനിയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 500 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच बना रहा है. आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 18 लाख घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है, नल से जल. भारतीयों के संकल्पों की ये सिद्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है. मैं अगर बोलता जाऊंगा तो आपके डिनर का टाइम हो जाएगा. साथियों, कोई देश जब समय पर सही फैसले लेकर सही नीयत से सभी का साथ लेकर चलता है तो उसका तेजी से विकास होना निश्चित है. आप सभी इस बात से परिचित हैं कि पिछली शताब्दी में तीसरी औद्योगिक क्रांति का जर्मनी और अन्य देशों ने कितना लाभ उठाया. भारत उस समय गुलाम था और इसलिए वह इस दौड़ में भी बहुत पीछे रह गया. लेकिन आज 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में, इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है. दुनिया में हो रहे റിയൽ ടൈം ലോകത്ത് എവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.